Debrani Mukherjee will be seen kicking, slapping and punching criminals as a police officer in Mardani. Ajay Devgan will also be seen doing similar things in his forthcoming release, Singham Returns. But the actress says it's unfair to compare the two films. Rohit Shetty's action thriller Singham Returns is coming out on August 15th, while Mardani is scheduled for an August 22nd release. कोई तुलना देखते हैं पिक्चर में, क्योंकि वो भी लगभग इसी एकदम नहीं, वो बहुत बड़े स्टार हैं अजय देवगन जी, और उनकी जो फ्रेंचाइज है वो बहुत बहुत ही मतलब बड़ी फ्रेंचाइज है. और जैसे मैं भी सिंघम देख चुकी हूँ, तो सिंघम तो मुझे भी बेहद मतलब पसंद है. अब तो सिंघम हमारे पहले आ रही है, तो हम सब जाएंगे देखने सिंघम, ऐसी कोई बात नहीं है. और हमारी तो खैर बहुत ही छोटी सी फिल्म है, एक बहुत ही एक छोटी सी एक कोशिश है जो हमने सब एक साथ मिलकर एक फिल्म बनाई है, जो हर औरत के लिए, हर हर लेडीज के लिए, ऑल्सो फॉर एवरी मैन, आई थिंक अ मैन हु रिस्पेक्ट्स विमेन, आई थिंक इट्स अ फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस. इट्स अ फिल्म दैट इज गोइंग टू शो अस द पाथ फ्रॉम हियर ऑन. सो आई थिंक हमारी फिल्म बहुत छोटी है, बट इट्स कमिंग आउट विद अ वेरी गुड यू नो मैसेज. और सिंघम से मतलब जो मैं बोल रही हूँ, कंपैरिजन नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी फिल्म है. If reports are anything to go by, Kareena Kapoor has expressed a desire to play a police officer on the big screen. Rani too feels that Kareena will make a fantastic cop. एकदम, जैसे मैं भी करीना को सिंघम में देखना चाह रही हूँ, वैसे वो भी मेरी फिल्म देखनी देखना चाह रही है. वो आपके जैसा फीमेल पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करना चाहती है. सुपर्ब, आई थिंक शी विल मेक अ फैंटास्टिक कॉप. और आई थिंक हमारे अभी जैसे जिस तरह से फिल्में बनने लगी है, आई थिंक हमारे अभी हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है अलग अलग किरदार करने का. और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है. मैंने कभी भी एक पुलिस ऑफिसर का रोल कभी भी मैंने किया नहीं, ये मेरी पहली बार है, मेरी पहली कोशिश है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक, क्रिटिक्स, सब लोग, आप सब लोग इस फिल्म को सराहें, पसंद करें और अपने बच्चों को लेके जाके दिखाएं इस फिल्म को. वैसे तो फिल्म ए है, लेकिन जिनके बच्चे 17-18 साल के हैं, जो लड़कियां हैं जो 18-19 की है, वो जाए इस फिल्म को देखें, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है हमारे आजकल के टाइम्स के लिए. और मैं तो कहती हूँ कि जैसे ही बेटी पैदा हो उसको कराटे लेसन्स में भेज देना चाहिए. गाना और डांस बाद में सीखेगी, पहले कराटे, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, उस वो क्लासेस में भर्ती कर देना चाहिए. प्रदीप सरकार हैज डायरेक्टेड मर्दानी, व्हिच इज हिज फर्स्ट फिल्म आफ्टर द 2010 फ्लॉप मूवी लफंगे परिंदे. IANS report.